हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, कल तो हॉलीडे है, मार्केट बंद है। अब मार्केट आपका 3 अक्टूबर को ओपन होने वाला है, ठीक है। अब कैसा ओपन होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। आज का मार्केट कैसा था, बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया, हमारे क्या लेवल थे, उस पर कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया, आगे कैसे रिएक्ट कर सकता है 3 अक्टूबर को, उसके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि अगर आप देखोगे तो जो फॉर्मेशन बनना था बिल्कुल उसी तरीके का फॉर्मेशन बना। आपको देखिए, ये वाला जो रेड कैंडल दिखाई दे रहा है ना, इस रेड कैंडल पे मैंने आपको बोला था कि एक और सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रेक क्या किया था, जो कि आपका देखिए 54,000 के लेवल को इस जगह इसने क्या किया था, ब्रेक किया था, ठीक है। 54 लेवल को जैसे इसने ब्रेक किया तो आज की जो हमारी क्लोजिंग है वो 52,922 की, ठीक है। यानी अगर ऊपर के लेवल से देखें तो अभी भी सेलिंग है, ऐसा नहीं है कि सेलिंग नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे सेलिंग आ रहा है, देखिए मैं बार बार एक ही चीज़ को बोलूँगा कि जो FIS की देखिए यहाँ पर जो बाइंग हुआ था, जो कि देखिए FIS ने बाइंग किया था 3 सालों के रिकॉर्ड, यानी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 1 साल का रिकॉर्ड था, 2 साल का रिकॉर्ड भी नहीं था, ये 3 सालों का रिकॉर्ड था, जिस दिन FIS ने एक दिन के अंदर 14,000 करोड़ का माल खरीदा। लेकिन एक गलती हो गई, उन्होंने जो माल खरीदा वो टॉप पे खरीद लिया, यहाँ पे देखिए टॉप पे, ठीक है। ये टॉप जो था ना, यहाँ पे नहीं खरीदना चाहिए था, क्योंकि FIS भी, और अगर हम इंडिया के इन्वेस्टर की बात करें जो आपके DIS हैं, अब DIS पैसा कहाँ से लेकर आते हैं, उनका खुद का पैसा तो होता नहीं है, HNI का पैसा होता है, लेकिन FIS का पैसा आता कहाँ से है, तो वो आता है आप लोग से, हम लोग से, जो हम लगाते हैं ना अपनी SIP, मंथली SIP होता है उसको हम लगाते हैं, ठीक है। कुछ SIP हम इस तरीके से करते हैं कि बाज़ार अगर नीचे आ जाता है तो भी हम SIP करते हैं कि आज तो मार्केट गिर चुका है, आज मैं SIP कर लेता हूँ, या मेरी SIP की डेट आ चुकी है तो आज मैं SIP कर लेता हूँ। ऐसी लगातार मंथ में SIP चलते रहती है। जब SIP का पैसा FIS की जगह DIS के पास आता है, क्योंकि DIS ही SIP को इस जगह लगाती है, ठीक है। जब SIP का पैसा आता है तो वहाँ पे हमारी बाइंग होती है। अब यहाँ पे आप समझो आज का क्या हुआ, आज का देखिए इसका लो जो हमारे पास है वो आपका देखिए ऑलमोस्ट इस जगह 52,870, ठीक है, यानी आपका 52,870, यानी लो और हाई में अगर हम अंतर देखते हैं तो ओनली हमारे पास 100 पॉइंटों का अंतर आता है, ठीक है। कोशिश किया था बैंक निफ्टी ने, लेकिन सेलिंग था ऊपर की साइड। अब इसमें क्या हो सकता है, यानी 3 अक्टूबर को क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे जो आपके बायर बैठे हुए हैं, जे वाले जो प्राइस पे जो बायर बैठे हुए हैं, जे प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि बाजार यहाँ से जब चला था, देखिए मैं आपको बताता हूँ कितना चला था, ठीक है। तो उसको भी एक बार अपन देख लेते हैं कितना मूवमेंट हमको देखने को मिलता। तो ये रेंज है, देखिए इस रेंज से अगर मैं इसका टॉप लगाता हूँ तो ऑलमोस्ट आपका 3,850 पॉइंटों की हमको तेज़ी देखने वाली थी अपने बॉटम से, इतनी तेज़ी हमको देखने वाली। उतनी तेज़ी के बाद अगर हम बॉटम से देखें इसमें निकालते हैं तो अभी कितना मार्केट आपका ऊपर से नीचे आया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो आपका ऑलमोस्ट आपका 1,670 पॉइंटों के आसपास आपका नीचे आता हुआ दिखाई दिया। यानी देखिए चला कितना है, 3,600 पॉइंट आपका नीचे से चला है, ऊपर से करेक्शन कितना आया, 1,600 के समथिंग, ठीक है, 650 कुछ था, यानी इतना करेक्शन आया है। अगर हम करेक्शन मान के चलें तो आपका अभी 40% करेक्शन आ चुका है, ठीक है, ऊपर से 40% आपका करेक्ट हो चुका है परसेंटेज वाइज। वैसे अगर आप देखोगे तो वैसे देखिए आपका कितना हो गया है, वैसे अगर आप देखो तो 1-2% के आसपास की आपको करेक्शन देखने वाला, 2-3% के आसपास की, लेकिन जो चला है पॉइंटों के हिसाब से उसमें आपका ये निकल के आया है, ठीक है, ये चीज़ें हमको देखने वाली। अब इसमें इंटरडे में हम कैसे इसमें रिएक्ट कर सकते हैं, इंटरडे में हमारे ट्रेड क्या हो सकते हैं, ये समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे जो कैंडल को आप समझिए, आपका एक घर है, आप मान के चलिए जी आपका घर है और ये घर की छत है, ठीक है, ये आपका घर का छत है, छत मीन्स आपको समझ में आया ना, ये आपका ऊपर का है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो टावर लगा है, देखिए ये एक आपका बड़ा कैंडल है, अब इस बड़ी छत को एक एक ही देखिए एक ही पिलर नहीं रोक सकता, इसके लिए मल्टी टाइम पिलर होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे पिलर होना चाहिए। जब तो उसमें क्या हो जाएगा, जब वो रुक सकता है, अगर ये पिलर डैमेज हुआ तो ये तीन रोक लेंगे, ये रोक लेगा, अगर ये डैमेज हुआ तो ये रोक लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो नौ पंदा वाली कैंडल थी, ठीक है, इसमें एक ही बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ था और एक ही बड़ी कैंडल बनी, यानी यहाँ पे जितने देखिए जो ऑपरेटर बैठा हुआ था उसने एक ही कैंडल में पूरा खेल चमका दिया। अब पीछे की साइड अगर आप देखो तो यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे, तो इसके ऊपर तो ये जाना मुश्किल ही था, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बता के रखा है कि 53,200 ये आपका क्या है, एक रेजिस्टेंट का काम करेगा, और इसके पहले जो हमारा ऊपर वाला प्राइस था वो आपका 54,200 ये रेजिस्टेंट का, यानी जो 200 वाली जो प्राइस आ रही है, यहाँ पे भी देखिए जो 200 वाली प्राइस आ रही है, यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा ओआई, यानी अगर मैं बात करूँ इस जगह तो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, जिसके वजह से जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप देखो तो ये पूरा जो सेलिंग देखने वाला एक प्राइस के साथ, ये बहुत अच्छा सेलिंग के साथ देखिए यहाँ पे ट्रेड मिला, और फिर उसके बाद देखिए ये पूरा साइडवेज हो गया, ठीक है। एक ऑप्शन बायर के लिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन बायर के लिए ये चीज़ होना चाहिए। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, नीचे इसमें ये बेस बना है, ये वाला देखिए यहाँ पे ये बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमको देखिए यहाँ पे 52,800 इसके नीचे अगर जाता है, देखिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, आपका कुछ नहीं जाता लेकिन मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है आपका एक लाइक से, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसको जाके भी ज्वाइन कर लेना। तो देखिए इसके नीचे जैसे ही जे अगर जाता है इस वाले प्राइस के नीचे, ठीक है, लेकिन कोशिश करना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे, यहाँ पे समय बिताए, जितना ज़्यादा यहाँ पे समय बिताएगा उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिर हमको जो नीचे की साइड देखे जो टारगेट देखने को मिलेंगे 52,700, फिर आपका 52,600, फिर आपका 52,500, फिर आपका 52,400, और फिर आपका एक जगह 52,300 तक हम नीचे की साइड जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए बैक टू बैक इसमें देखिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जी, आप देखिए यहाँ पे जो चार्ट लगा हुआ है, ये वाला जो चार्ट है जो 1 आवर्स का चार्ट है, ठीक है, और ये वाला जो चार्ट है ये 30 मिनट का ये चार्ट है, ठीक है, ये 1 आवर्स का है, ये 30 मिनट का। अब 1 आवर्स में देखिए जो पहला कैंडल बनता है, ठीक है, वो आपका एक कैंडल बनेगा, लेकिन 3 आवर्स में जो 30 मिनट में जो कैंडल बनेंगे वो 2 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए जी आपका जो मॉर्निंग वाला ये कैंडल था, ये वाला ये आपको बड़ा सा कैंडल दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे देखिए आपको ये वाला जो कैंडल दिखाई दे रहा है ये भी मॉर्निंग वाला कैंडल है, लेकिन ये 1 आवर्स का है, ये 30 मिनट का है, 30 मिनट के बाद जो अगला 30 मिनट का कैंडल बना उसमें सेलिंग दिखाई दे रही है, उसमें देखिए रेड कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें बॉडी ये हमारा देखिए इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये बॉडी और बॉडी के ऊपर ये बिक, जे बिग जो है, जे बिग जो बना है वही कैंडल है, जो बिग है वही हमको क्या दिखाई दे रहा है, वही कैंडल दिखाई दे। इतना सा आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखो समझो कि जे वाला जो आपका बॉटम दिखाई दिया, ठीक है, ये वाला जो लेवल देखने वाला है, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसको अपन के बॉक्स टेम्प में लेके आते हैं। ये बॉक्स में अगर आप देखो तो ये इसी लेवल पर देखें, यहाँ पर नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर 30 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दिया फिर लौट गया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिया तो लौट गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए जो इसमें बिग बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो बिग हैं, ठीक है, तो इसमें कहने का मीन्स क्या है कि 1 आवर्स के कैंडल में कंसोलिडेट हो रहा है, नीचे जा रहा है लेकिन क्लोजिंग नहीं दे रहा है, 30 मिनट में जो ट्रैप कर रहा है, यहाँ पे अगर आप समझो कि यहाँ पे इस वाली कैंडल को देख कर किसी ने सेलिंग किया तो उसका SL हिट हो गया, ठीक है, इस वाली कैंडल को देख के अगर किसी ने सेलिंग किया तो उसका SL हिट हो गया, ठीक है, यानी यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि 30 मिनट का कैंडल पे हमारा ब्रेक हो रहा है, लेकिन ऊपर की साइड भी अगर आप देखो तो यहाँ पे इस कैंडल को देख के किसी ने बाइंग किया होगा तो नीचे आपका ट्रैप हो गया, या यहाँ पे देखिए इस कैंडल को भी देख के अगर किसी ने बाइंग किया होगा तो वो अच्छा खासा ट्रैप हुआ है, ठीक है,
तो यहाँ पे हमको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो इनको देख के हुए हमको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखिए, मैं आपको देखिए इस चार्ट को देखिए सही से समझा देता हूँ कि हम अब बाइंग का सेटअप कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझो कि ये वाला जो कैंडल था यहाँ पे देखिए आपका ऊपर गया था, ये भी ऊपर गया था लेकिन बाइंग नहीं दे पाया। ठीक है, और ये प्राइस था आपका ऑलमोस्ट आपका 53,000 का। ठीक है, 53,000 का आपका ये प्राइस था। ठीक है, जो कि आपका एक साइकोलॉजी प्राइस है। अब हमको क्या चाहिए कि 1 और 2, ठीक है, जो दो कैंडल बना, अब इसके ऊपर अगर ये तीसरा कैंडल बनता है जो कि 53,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, और फिर उसके आसपास देखिए कंसोलिडेट करके भी अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करता है, जब हम बाइंग के साइड जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, इसका रीजन थोड़ा समझो। देखिए, एक दिन हमारा वन डे की कैंडल पर बड़ा सेलिंग हो चुका है, ठीक है, दूसरे दिन भी हमको वन डे के कैंडल पर बड़ा सेलिंग हो चुका है, और अभी देखिए एक दिन का हॉलीडे है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, अमेरिकी मार्केट से, या जो ऐसा युद्ध हुआ है उसके वजह से ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है, या FIS लौट के आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में देखिए मार्केट थोड़ा सा तो हल्का हुआ है। जो पहले आपका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ऊपर थे, अभी आप देखिए आपका बाजार नीचे जा रहा है, पोर्टफोलियो उसके और तेज़ी से नीचे जा रहे हैं। पहले आपका बाजार ऊपर जा रहा था, पोर्टफोलियो आपका तेज़ी से ऊपर नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक थे ना वो पहले से इतने ज़्यादा आपके अनाप शनाप देखे वैल्यूएशन पे थे, जो उसके बाद हमको दे ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अच्छी खासी कंपनियाँ ऐसी हैं जो अच्छे प्राइस में हैं। ठीक है, अब मैं नाम तो इस जगह नहीं बोल सकता, लेकिन ये चीज़ें होती हैं बाजार के अंदर। तो इसके ऊपर अगर ये निकलता है, इसके ऊपर देखिए ये कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे कुछ समय बिताता है, ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे कितना समय बिताना चाहिए, 30 मिनट, क्योंकि ये 30 मिनट पे देखिए कंसोलिडेट ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये इतना समय बिताएगा, जितना समय बिताएगा यहाँ पे समय बिताएगा, ठीक है, फिर समय बिताने के बाद ऊपर निकलेगा ना, तो एक अच्छा खासा मूवमेंट कर सकता है, जिसमें देखिए हमको ऊपर की साइड पे इसमें जो टारगेट देखने को लेंगे 53,100, फिर आपका 53,200, फिर 53,300, फिर आपका 53,400, फिर आपका 53,500, फिर आपका 53,600। ठीक है, इतना हमको अपसाइड मोमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखो अपन समझते हैं, अब इसमें देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिलते हैं। ट्रेड हमको समझ में आया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल लगाता। अब यहाँ पे आप समझो साइकोलॉजी क्या है लोगों की, इतना गिर चुका है और कितना गिरेगा, तो हल्का फुल्का अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, हमारे लिए 53,400 से लेके 53,500, ये 100 पॉइंट का जो रेंज है, अगर ये गैप के साथ भी ओपन हो जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस कंसोलिडेट करता है फिर ऊपर निकलता है तो अपसाइड जाएंगे, वरना जी अगर यहाँ पे इस जगह ओपन हो जाता है, एक बड़ा कैंडल बना देता है 9:15 पे, तो उसके बाद हम इसमें सेलिंग ही करने की कोशिश करेंगे अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है तो। ठीक है, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो जो हमारा देखिए 52,800 का जो मैंने सपोर्ट बताया है, जब ब्रेक हो जाएगा तो इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद ये टेस्ट करने आ सकता है, उसको हम सेलिंग कर सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पे ये कंसोलिडेट करके नीचे की साइड ब्रेक करता है तो उसमें भी हम सेलिंग करके चल सकते हैं। नीचे सपोर्ट कहाँ पे है, तो नीचे सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया 53,000 यहाँ के आसपास हमारे पास सपोर्ट मिल सकता है। ये वाला जो प्राइस है, इस प्राइस के आसपास हमारे पास सपोर्ट है। ठीक है, ये वाले देखिए यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद नीचे ब्रेक कर सकता है और इस लेवल पे हमको सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से देखिए बाजार ऐसे गया था और यहाँ से देखिए ऐसे जाना चालू किया था, क्योंकि यहाँ पे बड़ा पैसा लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि आपका ये वाला प्राइस है। बाकी ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस है, नीचे आपका सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, इस बॉक्स के अंदर काम कर रहा है, इस बॉक्स में से यहाँ पर निकलेगा हम उस जगह ट्रेड ले सकते हैं 9:15 पे। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लेवल टू लेवल काम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।